तो भाई दो इडली और एक बड़ा, और एयरपोर्ट में इसका प्राइस है भाई आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और एक मेरी फर्स्ट भाई फ्लाइट जर्नी है, और वो भी है बेंगलोर टू झारसुगुड़ा। फर्स्ट जो फ्लाइट जर्नी को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि भाई कैसा क्या मुझे फील होता है, और फर्स्ट टाइम भाई डर तो हल्का हल्का लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब वीडियो बहुत सारे देख के आया हूँ। और अभी हम जा रहे हैं कैंपागुड़ा जो है टर्मिनल यानी कि एयरपोर्ट जा रहे हैं, और वहाँ से देखते हैं कैसा क्या पंडा है। और फिलहाल ये जो हम कैब जो बुक किए हैं ये भी डिजायर गाड़ी है, क्योंकि मेरे पास भी डिजायर है और कैब भी डिजायर है, और भाई से हल्का उनका बात भी करेंगे इसके बारे में कितना क्या माइलेज वगैरह दे रही है, क्योंकि हम भाई ऑटोमेटिक जो है स्विच, तो ये तो भाई बनता है पूछना। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा देख लीजिए भाई, यहाँ पे जो ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 10:25 पे मेरा जो है फ्लाइट है, और हम 6:15 में ही निकल जा रहे हैं, क्योंकि अगर भाई बाई चांस अगर कोई कहीं पर रोड वगैरह जाम वगैरह हो गया तो फंस जाएंगे ना, इसलिए भाई 4 घंटे पहले निकल रहे हैं, 4.5 घंटे पहले, या 4 घंटे 15 मिनट पहले। ठीक है, तो चलिए भाई आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ रोड वगैरह जाम कैसे क्या लगता है, और पहुँचने के बाद बात करते हैं। बस साइड में बस, और यहाँ पे बस तीनों बस के बीच में हम खड़े हो गए। अभी देखो वो देखो भाई इलेक्ट्रिक वाला बस, ग्रीन वाला नंबर प्लेट दिख रहे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस भी चलती है भाई, काफ़ी अच्छी बात है भाई। बाप रे ये क्या था, दोनों बस हो रहा मतलब सटा दिए थे सबको जल्दी जाना है यहाँ से भाई। यहाँ पे कैसे ड्राइव करते हैं क्या, पूरा सटा दिए थे पूरा लग जाता। सिटी के बारे में तो पूरी जानकारी इनके पास ऑलरेडी होगी, तो बस एक चीज हमको हमेशा जैसे मैं पूछता हूँ भाई गाड़ी के बारे में, तो भाई माइलेज के बारे में कितना क्या देती है डिजायर सर, माइलेज कितना क्या देती है डिजायर ये आपकी गाड़ी, पेट्रोल डीजल या डीजल गाड़ी है, पेट्रोल डीजल गाड़ी है ना, हाँ डीजल गाड़ी 20 ओके। तो भैया काफ़ी मस्त बंदे हैं, और जो 20 का माइलेज जो निकाल रहे हैं अभी डीजल गाड़ी है डिजायर, और 6 साल से यहाँ पे चला रहे हैं बेंगलुरु सिटी में, बेंगलुरु सिटी से 26 ओके। तो भाई इनका सिटी का माइलेज था 20, एंड हाईवे में जो माइलेज है इनका गाड़ी का डीजल गाड़ी है डिजायर की वो है 26 किलोमीटर पर लीटर की, जिसके लिए भी लोग ज़्यादा जो है मारुति गाड़ी पसंद करते हैं। बाकी भाई इस गाड़ी का कितना क्या माइलेज आप मेरे को कमेंट करके बताना, वेलर का ओके और 39 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट जो है मुझे अभी ट्रैवल में कर रहा हूँ अप टू एयरपोर्ट, एंड कितना क्या मुझे फेयर लगा मैं आपको वो भी बताऊँगा लास्ट में, पहले हमको पहुँचने दीजिए उसके बाद बात करेंगे, देखते हैं कैसा क्या वहाँ पे है, वीडियो वगैरह अलाउ है कि नहीं है उसको भी देखना पड़ेगा। ओके तो पहुँच के बात करते हैं।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और भाई नहीं, यानी कि कैब का जो चार्जेस मुझे पड़ा वो था 1000 रुपीस। यानी कि भाई कल रात को मैंने देखा था 900 रुपये दिखा था, बट अभी सुबह सुबह जो है यानी कि अर्ली मॉर्निंग हम निकले तो 1000 रुपीज़ जो यहाँ पे कैब में शो किया, यानी कि ओला से मैंने इसको बुक किया था, तो 1000 रुपीज़ भाई ने लिया 39 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, यानी कि 39 किलोमीटर जो है हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ओके, तो ये हो गया भाई कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं और अभी अंदर जाएंगे और देखते हैं भाई क्या इसका प्रोसीजर वगैरह, क्योंकि हमने ऑनलाइन जो है बोर्डिंग पास नहीं लिया है। भाई ऑनलाइन में बोर्डिंग पास ले सकते हो, आप लेना भूल गए हो तो यहाँ पे भी आके ले सकते हो। तो मैं पहले बोर्डिंग पास पहले निकालता हूँ, यानी कि बाहर में मशीन वगैरह यहाँ पे लगा रहता है, इनसे जो है मैं बोर्डिंग पास निकालता हूँ, उसके बाद मैं अंदर जाके आपसे बात करता हूँ, ठीक है। सो भाई अभी है एयरपोर्ट के अंदर और सब कुछ हो गया है, यानी कि सिक्योरिटी चेक इन वगैरह बैग हमने डाल दिया है, चेक इन कर दिया है, और दो बैग यहाँ पे जो हैंड बैग है इसको लेके जाना पड़ेगा साथ में फ्लाइट के अंदर। तो यहाँ पर सब कुछ है, शॉपिंग कर सकते हो, रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पे, बैठने के लिए बहुत जगह है, बहुत ही बड़ा है अंदर से, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पूछ के आना पड़ा, हाँ भाई वो तो सही बात है, आज का क्या शरमाना भाई, ठीक है ना, पूछ के आने में कोई शरमाना है नहीं। तो अभी बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कब हमारा फ्लाइट है, और 41 जो बोर्डिंग गेट हमें बोला गया है, और 10:25 तो है, लेकिन उससे पहले मैं देखा नहीं, एक्चुअली तो स्क्रीन देखना चाहिए, मैं स्क्रीन देख के आपको बताता हूँ भाई कब जो फ्लाइट आने वाली है। सो भाई यहाँ पे लगा हुआ कन्वेयर वगैरह, अगर आपको चलने मुश्किल हो रही है तो यहाँ पे आप खड़े हो जाइए और ये आराम से आपको खींच के लेके चली जाएगी। ये देखो कन्वेयर, ये जाने के लिए वो आने के लिए दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। अगली लिफ्ट वगैरह भाई बहुत ही बड़ा है, मतलब हम लोग यहाँ पे 41 गेट नंबर है, तो यहाँ पे हम पूरा लास्ट में आ चुके हैं, और देखिए कितना लंबा चौड़ा है यहाँ पे, और सब कुछ फैसिलिटी आने की, आपको चाय पीना है, नाश्ता करना है, हर एक जगह में आपको यहाँ पे टिफिन सेंटर मिल जाएगा, और बैठने के लिए बहुत ही आप सीट वगैरह है। गेट के हिसाब से यहाँ पे आके वेट करेंगे एंड उसके बाद आपको प्लेन में ले जाया जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बिग जो है एयरपोर्ट है बेंगलुरु, कैंपेगौड़ा जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है, और मेरा तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने भाई, काफ़ी क्लीन यहाँ पे, देखिए इंडिगो भी जा रही है वहाँ पे, एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड ने मना किया है कि वहाँ पे आप वीडियो नहीं कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो भाई प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है ना। ये देखो भाई पेस्ट्री का रेट देखो अभी यहाँ पे, पेस्ट्री तो नहीं है सॉरी, पनीर सैंडविच वगैरह है जिसका प्राइस देख सकते हो भाई, सब 300+ का जो प्राइस यहाँ पे है, एंड एक मसाला टी का यहाँ पे प्राइस है 325 रुपीज़। घर से भाई चाय बना के लाओ यहाँ पे पियो, ठीक है, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, बहुत ही हाई प्राइस यहाँ पे है, यानी कि एयरपोर्ट में जो है, ठीक है। तो 1 टी यहाँ पे इट्स कॉस्ट मी 325 रुपीज़, ओके। तो भाई अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं आपको बिल दिखा दूँ, 325 रुपीज़ विथ GST, SGST, CGST मिला के सब कुछ 325 रुपीज़ यहाँ पे, ओनली 1 मसाला टी का यहाँ पे देखिए मसाला चाय 309 रुपये का, और ये देखो भाई मसाला चाय, राइट। सो भाई 2 इडली और एक बड़ा, और एयरपोर्ट में इसका प्राइस है भाई कितना आप सोच के बताओ, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, ठीक है ना, आप पहले बताओ कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए। एंड 1 वाटर बॉटल भी मैंने ऑर्डर किया है, और उसका प्राइस आप सुनेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। अभी आ चुका है भाई, 1/2 लीटर का वाटर बॉटल है, ज़्यादा ह्यूज नहीं है, दिस वन, ये देखो वाटर बॉटल एंड ये प्राइस, ये देख लो, देख रहा है कि नहीं, राइट, ये देखो तो भाई काफ़ी महंगा यहाँ पे, अगर आप 1-1.5 लाख अगर कमाते होगे ना तो भी भाई पैसे ऐसे उड़ जाएंगे पूरा। सो नाउ आई मीन फ्लाइट, एंड भाई आपको देखा हो तो ट्रिपल सीट हर एक जगह में है, सब ट्रिपल सीट यहाँ पे है, और सही तो लग रहा है भाई, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आप एक ट्रे दिया गया है बोतल वगैरह में रख सकते हैं, ठीक है, और इंडिगो का क्या कुछ मिला है यहाँ पे देखिए, बाकी तो वो बताएंगे, बता के जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एमरजेंसी के टाइम में एग्जिट द्वार कैसा क्या आपको ओपन करना है वो बताएंगे, हम बता चुके हैं, बस यही है, लंबा चौड़ा फ्लाइट है ये देखिए। तो ये है भाई फ्लाइट, और एग्जिट बाहर का जो एमरजेंसी एग्जिट है उसके पास ही हमारा है 14B/14C। हाँ भाई अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल आ सकता है नी रूम में, लेकिन ठीक है ना,
ये तीन बंदे हैं, तीन यहाँ पे तीन वहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो भाई थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, बाकी वेट सही रहे, बाकी वेट आपको सही मिलेगा इसका, तो सीट वगैरह मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जो ट्रैवल कर रहा हूँ इसीलिए। फ्लाइट हो चुकी है टेक ऑफ, और देखो भाई बाहर का व्यू, और पंखे के ऊपर भाई बैठे हैं हम, आई मीन पंखे ऊपर नहीं है, पंखे के ऊपर वाली जो सीट वहीं पे बैठे हैं, और ये देखो ये भाई इसका फिन है जो कि मूव करता है अपने हिसाब से, हमें डिस्टेंस चेंज करने के लिए इसको मूव किया जाता है, वो तो पता ही होगा भाई। और हाँ भाई फ्लाइट के अंदर साउंड देखिए सुनिए वो सुनाई दे रहा होगा मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो भाई जो प्लेन के अंदर जो साउंड यानी कि फ्लाइट के अंदर जो साउंड हुआ वो आने वाला अच्छे तरीके से, और अगर आप इसको चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, और जिनको व्यू लेना है देखो व्यू ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूँ, जब मैं फ्लाई जब ये टेक ऑफ की तो आपको जैसा फील होगा कि आप एक बड़े से राइड में जैसे बैठते हो ना, जैसे आपको फील होता है उस टाइप का थोड़ा सा फील होगा, फिर थोड़े टाइम तक आपको जो ये अपने हाइट तक लेके जाती है, उसके बाद स्टेबल हो जाती है जैसे कि प्रत्येक स्टेबल चल रही है, तो थोड़ा सा तो लगता है भाई ठीक है ना, बाकी तो पूरा देखिए स्टेबल है यहाँ पे, और बादल वगैरह पूरा ब्लू स्काई यहाँ पे दिख रहा होगा, सो इट्स ए नाइस एक्सपीरियंस फर्स्ट फ्लाइट में मेरा जो है यहाँ पे बेंगलुरु टू झारसुगुड़ा। एंड क्या बोलते हैं फ्लाइट का रिव्यू जैसे कि आप इसको बोल सकते हो, और ये इकोनॉमी क्लास से सब सीट वगैरह है, यानी कि झारसुगुड़ा जो एयरपोर्ट वो इतना बड़ा नहीं है, तो सब इकोनॉमी क्लासेस वगैरह है, 120 कैपेसिटी के साथ ये आई मीन फ्लाइट ट्रैवल करती है बेंगलुरु टू झारसुगुड़ा। तो हमें कॉस्ट पड़ गया इसका जो फेयर का वो है 6,200 रुपीज़, और मैंने रात को जो है इसको बुक किया और सुबह मेरा फ्लाइट था, लेकिन अगर आप लेट करते हो यानी कि मान लो कि आपको जैसे तत्काल बोलते हैं ना, जैसे कि तत्काल बोलते हैं ट्रेन वगैरह में, तो अगर आपको चाहिए फटाक से यानी कि 2-3 घंटे में, तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, उसके साथ अगर मॉर्निंग का फ्लाइट लेंगे तो थोड़ा सा आपको कम पड़ेगा, इवनिंग का फ्लाइट थोड़ा सा आपको महंगा पड़ने वाला है, ऐसे स्लाइड भी होती है। तो भाई यहाँ पे कैप्टन ने जो है इन्फॉर्मेशन दिया है कि अभी प्लेन है 13,000 फीट के ऊपर, तो कैप्टन ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो है भाई अभी प्लेन जो है वो 13,000 फीट के ऊपर चल रही है, और टेम्परेचर कितना क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो है दिया गया है, और घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आधे घंटे के अंदर हम लैंड करेंगे, कोई चीज़ कुछ बोला गया और क्या। एंड दोस्तों जैसे कि कैप्टन ने यहाँ पे कहा कि 13,000 फीट के ऊपर, तो भाई 13,000 फीट के ऊपर मेरा जो है कान में थोड़ा सा यानी कि पेन होना शुरू हो गया, एंड मैं बाकी सबको देख रहा था बट उनका कोई रिएक्शन नहीं था, बट मुझे लगा कि शायद ये मेरा बहम हो सकता है, बट कान में मुझे थोड़ा मुझे पेन हो रहा था, एंड उसके अलावा घबराहट होना शुरू हो गया, यानी घबराहट इन द सेंस यानी कि भाई जैसे कि लगता है कि कुछ होने वाला है या फिर कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए, उस टाइप की थिंकिंग पता नहीं क्यों आने लगा। एंड थोड़ी देर के लिए आया, उसके बाद जब प्लेन नीचे आना शुरू हो गया उसके बाद सब कुछ गायब हो गया, तो मेरे को लगा भाई ये हो सकता है, और मैंने जब उतर के भाई पापा से पूछा कि पापा आपके साथ कैसा हुआ था कि, तो उन्होंने भी सेम चीज़ कहा कि मेरा भी कान जो है पेन हो रहा था, यानी ईयर में हल्का फुल्का जो है पेन होना चालू हो गया, तो जब ये प्लेन थी 13,000 की फीट यानी कि, तो आपको पता ही होगा जितना आप हाई जाओगे तो उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो उसी हिसाब से पेन होना वाजिब है, तो वो चीज़ शायद हो रहा था मेरे साथ।
सो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं झारसुगुड़ा एयरपोर्ट एंड पूरा परफेक्ट टाइम लिया, यानी कि 2 घंटे का समय लिया भाई पहुंचाने में यहाँ पे, यानी कि बेंगलुरु टू झारसुगुड़ा 2 घंटे का समय बाय फ्लाइट यानी कि बाय एयर जर्नी लगी जो टाइमिंग था। एंड यहाँ से इनका इंडिगो का जो बसेस वगैरह चलता है और बस से हमको बाहर निकाला गया, यानी कि हमको एयरपोर्ट के बाहर हम पहुँचे। तो काफ़ी अच्छा खासा जर्नी था, बट हल्का फुल्का मुझे डर लगा, जैसे कि मैं आपको कहा 13,000 फीट के जो ऊपर मेरा एहसास था, यानी कि जो फीलिंग थी वो मैंने आपको बताया। एंड जब प्लेन टेक ऑफ लेती है तो तभी आपको थोड़ा सा लगता है जैसे कि आप एक रोलर कोस्टर में बैठे हुए एंड वो हाई में जा रही है, तो इस टाइप की हल्की फुल्की आपको फीलिंग आएगी, बाकी सब कुछ स्टेबल था। एंड हाँ, ज़्यादा हाई होने से हल्का फुल्का आपका जो है कान वगैरह में पेन हो सकता है, वो भी जान लो। तो ये था एक एयर जर्नी के बारे में, यानी कि मेरी फर्स्ट एयर जर्नी जो कि रही काफ़ी ज़्यादा शानदार। हल्की फुल्की भाई डर लग रहा था, अलग बात है, बाकी सब कुछ यहाँ पे अच्छा ही था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये कोई गाड़ी को रिव्यू नहीं था, एक मेरा एक्सपीरियंस था जो मेरी फर्स्ट एयर जर्नी के ऊपर।